नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेन को लेकर वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक आमने सामने। कोरिया जिले के चिरमिरी रेलवे के स्टेशन से चलने वाली गाड़ियां वैश्विक महामारी के समय से बंद पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर मनिंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ जहां एक तरफ नागपुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के साथ बिलासपुर DRM कार्यालय का घेराव किया था। इतने प्रदर्शन होने के बावजूद भी भारतीय रेल ने चिरमिरी से चलने वाली रेल सेवाओं को संचालित नहीं किया, जिसको लेकर हाल ही में डॉक्टर विनय जायसवाल ने बंद पड़े ट्रेनों को लेकर हल्दीबाड़ी यातायात चौक में आंदोलन किया, साथ ही भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया। जहां आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना काल से बंद पड़ी कोरिया जिले के चिरमिरी रेलवे स्टेशन से चलने वाली गाड़ियां अभी तक संचालित नहीं हुई, जिसको लेकर मनिंद्रगढ़ विधानसभा के डॉक्टर विनय जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए रेल सेवाओं को बाधित करने का आरोप लगाया है। जिस पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने वर्तमान विधायक के आरोपों का खंडन करते हुए ओछी राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में चिरमिरी से बंद पड़ी रेल सेवाएं आखिर कब और कैसे संचालित होंगी। आज यह प्रश्न ता है और यह प्रश्न सभी पूछ रहे हैं कि आखिर कब ये ट्रेनें संचालित होंगी। वर्षों से, अब तो वर्ष हो गए, दिन नहीं हो गए, वैश्विक महामारी कोरोना के सारे जो प्रतिबंध हैं उसे खत्म होने के बाद भी लगातार हमने 3-3 धरना प्रदर्शन किया, ट्रेन रोकने का काम किया, लेकिन यहाँ की जो ट्रेनें हैं वो चालू नहीं हुई है। आज जो ट्रेन है वो गरीब जनता की रीढ़ की हड्डी है। आज जिनको 100 रुपये में काम होता है उनको 3-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। लोगों की माली स्थिति क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से आज महंगाई का भी मुद्दे के लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन था, किस तरह से नींबू 300 किलो, पेट्रोल डीजल सिलेंडर खाद्य तेल रेटों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी आपका चूल्हा, आपका जो किचन है कैसा महंगा होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों को लेकर हम अपनी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के और सभी हमारे पार्षद, हमारे जितने भी ब्लॉक कांग्रेस के सभी नेता हैं, इन लोगों के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन था। आने वाले समय में ट्रेन अगर चालू नहीं होती है, मैंने तो आज अपने इस धरना प्रदर्शन में रेणुका सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर भी सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने जाके इनको बोला है कि ट्रेन चालू मत होने दो, कांग्रेस को लाभ मिलेगा। इस तरह की जो दोहरी जो राजनीति करते हैं इनका आज विरोध प्रदर्शन था, इनके खिलाफ में हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हम लोग जाके दिल्ली में करेंगे अगर सीधी ट्रेन चालू नहीं होती। यहाँ के सांसद द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ट्रेन चालू करने का? अरे यहाँ के सांसद तो रेल मंत्री को मना किए हैं, रेल मंडल के जो रेल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, उनको मना किया उन्होंने फ़ोन करके कि ट्रेन को बिल्कुल चालू मत करना। यहाँ की जो रेणुका सिंह है उनकी बात कर रहा हूँ मंत्री जी की, और सांसद जी ने तो लगातार चिट्ठी भी लिखा है, रेल मंत्री को भी बोला है, हम लोगों के भी आवेदन को उन्होंने पहुँचाया है, लेकिन यहाँ की जो सांसद, जो क्षेत्र मतलब की जो संभागीय सांसद है और मंत्री हैं उन्होंने जाके मना कर दिया है। हमारी सांसद तो लगातार तार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन वो भी विपक्ष में ही है, बातें तो सत्ता पक्ष की सुनी जाएगी ना। हमारी सांसद तो विपक्ष में है, उनकी बात थोड़ी सुनेंगे। इसके आगे क्या रणनीति रहेगी? इसके आगे हम पूरे साथियों के साथ, महिला कांग्रेसियों के साथ, हमारे यूथ NSY और सब पूरे ब्लॉक के साथ में हम एक बड़ा धरना जो है आगामी समय में दिल्ली में जाके देने वाले हैं। रेलवे चालू नहीं होने का कोई चिरमिरी का विषय नहीं है। पूरे देश में कोरोना काल में 13,000 से ऊपर ट्रेनें जो पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को और रोका गया चालू होने के बाद, उस दिशा में धीरे धीरे जहां संक्रमण कम हो रहा है वहां ट्रेनें चालू हो रही हैं। लेकिन विधायक जी का ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ट्रेन नहीं चलने दिया जा रहा है, तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रेन में कांग्रेस के ही लोग सफर करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सफर नहीं करते? उसमें सभी लोग सफर करते हैं, और क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि क्यों नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ें? और सबसे ज्यादा तो हम लोग सफर करते हैं ट्रेन से, रायपुर जाना हुआ तो, भोपाल जाना हुआ तो, दिल्ली जाना हुआ तो, हमारे क्षेत्र के लोगों की सुविधाएं बढ़ना चाहिए। ये इस दिशा में बयानबाजी ना देकर विधायक को चाहिए कि जल्द से जल्द रेलवे का प्रोजेक्ट पूरा करें, राज्य का जो अंश है उसको लेकर आए। अगर ये दिन से नहीं हो पा रहा है तो हमसे सहयोग मांगे, हम साथ में चलेंगे, जहां जाना होगा उसके लिए, क्षेत्र के लिए काम करें। R9 भारत से संभाग हेड अजय मंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।